महिला से लूट कर भाग रहे लुटेरे डिवाइडर से टकराए, पुलिस ने पकड़ा। अब तक कर चुके हैं कई लूट चेन स्नेचिंग। बरेली, कई लूटों में लिप्त दो लुटेरों को बारादरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग कहीं घायल पड़े हुए और स्कूटी भी उनके पास गिरी हुई थी। पुलिस की तरह वहाँ पहुँच कर इनको अस्पताल पहुँचाया गया तो पता चला, साथ में ये पता चला कि एक महिला से ये दोनों ही जो लोग हैं ये पर्स छीन कर भागे थे और उसके बाद हड़बड़ी में जब ये भाग रहे थे तो डिवाइडर से टकरा के इनकी जो स्कूटी पलट गई और वहाँ पे ये घायल हो गए। पुलिस की तरह इसमें जब इनसे और पूछताछ की गई तो ये पता चला कि कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत और कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत और बरादरी में इन्होंने पूर्व में लूट की घटनाएं की हैं, जिसमें कहीं मोबाइल फ़ोन लूटा गया था और कहीं पर पर्स छीना गया था। उन सभी घटनाओं का निवारण इसमें किया गया और उनके घर से जो सामान उसमें गया था, मोबाइल फ़ोन और पर्स और जो आधार कार्ड या अन्य जो चीज़ें हैं वो सब बरामद कर लिया गया है। और इसमें बता रहे हैं इनसे और पूछताछ भी की जाएगी, जिनसे कि और घटनाएं हैं उनका भी अनावरण किया जा सके। लगभग कितने घटनाओं का खुलासा हुआ इसमें? अभी तक चार घटनाओं का खुलासा किया जा रहा है, जिसमें कि एक जो कल प्रयास किया गया और साथ में दो कैंट थाना क्षेत्र की घटनाएं और एक बरादरी थाना क्षेत्र की घटना का खुलासा किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले थे, क्यों लूट करते थे? ये इनके द्वारा बताया गया कि ये नशा लेते थे और इनके घर वालों के द्वारा भी इनको अपने एक तरह से अपने से दूर कर लिया गया है और घर पैसा न मिलने के कारण ये नशे में जब एडिक्ट हो गए तो उसको खर्चा चलाने के लिए ये लूट का कार्य करते थे। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।